अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो। आप देख रहे हैं कुकिंग विद उज़्मा बाबर और मैं हूं आपकी होस्ट उज़्मा बाबर। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज हम आपके साथ फ्राइड ड्रमस्टिक की रेसिपी शेयर करेंगे, तो इसको बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो नोट कर लें। ड्रमस्टिक्स बनाने के लिए यहाँ मेरे पास तकरीबन 1 kg ड्रमस्टिक हैं और ये मैंने पहले से इसमें कट लगा लिए हैं ताकि तमाम मसाला अच्छा सा इसके अंदर रच बस जाए। मसालों में हमें चाहिए सॉल्ट 1 teaspoon, ब्लैक पेपर पाउडर 1 teaspoon, पेपरिका पाउडर 1 teaspoon, रेड चिली फ्लेक्स हमें चाहिए 1/2 teaspoon या हसबे ज़ायका, अगर आप बहुत स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसकी मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। गार्लिक पाउडर है यहाँ मेरे पास 1/2 teaspoon, मस्टर्ड पाउडर है मेरे पास यहाँ ये भी 1/2 teaspoon, और इन सब के अलावा मेरे पास यहाँ ये सिरका है तकरीबन 2 tablespoon। सिरका बेसिकली मैं इसके अंदर मीट टेंडराइज़र के तौर पर मैं डालती हूँ। सिरका डालने से हमारी चिकन का जायका बढ़ भी जाता है और इसके अलावा इसका जो गोश है वो अंदर तक पक जाता है और बिल्कुल टेंडर और मज़े का तैयार हो जाता है। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि हमारी चिकन जो है वो अच्छे से पकी नहीं है, ऊपर से पक जाती है लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है, तो उसके अंदर अगर हम इसी तरह के कोई मीट टेंडराइज़र उसके अंदर ऐड करने से हमारा जो चिकन है वो बहुत ही मज़े का और टेंडर तैयार होता है। अब एक बड़ा बोल लेंगे हम, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा ड्रमस्टिक बनाने का, ये मैरिनेशन का फर्स्ट स्टेप है। इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे ड्रमस्टिक्स। बड़ा बोल लें, इस बात का ध्यान रखें ताकि आपको उसको मसाला लगाने में आसानी हो। गार्लिक पाउडर ऐड करूंगी मैं इसके अंदर 1 by 1, ये तमाम मसाले हम इसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे। चिली फ्लेक्स है ये मेरे पास, सॉल्ट, सिरका, पेपरिका पाउडर 1/2 teaspoon, काली मिर्च का पाउडर। अब इन सब को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा इसको मिक्स कर लेने के बाद अब इसको हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम आप इसको 5 से 6 घंटे दें मैरिनेशन के लिए। अगर ओवरनाइट रखते हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप इसको ओवरनाइट ही छोड़ दें, अगर नहीं तो कम से कम 5 से 6 घंटे आपको लाजमी मैरिनेशन का टाइम दें। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट्स है वो आपको मैं सेकेंड स्टेप में बताऊँगी। अभी फ़िलहाल हम इसको मैरिनेशन होने के लिए छोड़ देते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो नोट कर लें। कोटिंग के लिए मैदा हमें चाहिए तकरीबन 1.5 cup, कॉर्नफ्लावर हमें चाहिए तकरीबन 1/2 प्याली, ब्रेड क्रम हमें चाहिए 4 tablespoon, सॉल्ट है मेरे पास यहाँ 1/2 teaspoon, ब्लैक पेपर पाउडर है 1/2 teaspoon, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा जिसे हम कहते हैं 1/4 teaspoon, मस्टर्ड पाउडर हमें चाहिए 1/2 teaspoon। इसके अलावा यहाँ मेरे पास ये ओरिगैनो है, आप चाहें तो मिक्स हर्ब्स भी इसके अंदर डाल सकते हैं, ये तकरीबन 1/2 teaspoon है। 1 अदद अंडा इसके अंदर जाएगा और उसके अलावा हम इसके अंदर बटर मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, ये तकरीबन 1 प्याली होगी। बटर मिल्क की रेसिपी मैं आपके साथ अपनी पिछली एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, ये होममेड बटर मिल्क है।
लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आपको इजी हो जाए, आप वहां से देख सकते हैं। अब एक बोल लेंगे, उसके अंदर हम ये मैदा ऐड करेंगे, कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, ब्रेड क्रम्ब ऐड करेंगे और तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक, ओरिगैनो, मस्टर्ड पाउडर, खाने का सोडा और ब्लैक पेपर। इन तमाम अज्जा को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम कोटिंग करेंगे। सबसे पहले इन ड्रम स्टिक्स को बटर मिल्क वाले मिक्सचर में डिप करेंगे और फिर इसके बाद इसको हम मैदे वाले मिक्सचर में इस तरह डिप करके अच्छी तरह कोट कर लेंगे। इस तरह वन बाय वन सारे करते चले जाएंगे और दोबारा से हम इसको कोट करेंगे। पहले एक दफ़ा सारे कर लेते हैं। एक दफ़ा कोटिंग हमने कर ली है, अब हम दोबारा से इसकी कोटिंग करेंगे। आप देखेंगे कि थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद इसकी कोटिंग की शक्ल कुछ इस तरह की हो जाएगी। अब इसको दोबारा कोट करेंगे, हम वही प्रोसीजर हम दोबारा करेंगे। कोटिंग करते हुए आप इस अपने हाथों की मदद से इस मैदे वाले मिक्सर से यूं दबाते रहें। बस अब ये फाइनल हो गया है, इस तरह तमाम तैयार कर ले। तमाम ड्रम स्टिक्स को मैंने दोबारा कोटिंग करके तैयार कर लिया है। अब इसको हम तकरीबन रेस्ट देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल पहले से गर्म कर लिया है। दरमियानी आँच पे हम ऑयल को गर्म करेंगे। अब इस चिकन को हम दरमियानी आँच पर ढक्कन लगाकर एक तरफ से पहले गोल्डन ब्राउन करेंगे, फिर पलटा देके दूसरी तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब ये तैयार है। अब मैं इसको बाहर ले लेती हूँ। क्रिस्पी फ्राइड ड्रम स्टिक सर्विंग के लिए तैयार है। गरम गरम इसको सर्व करें, केचप के साथ, फ्रेंच फ्राइज के साथ, डिनर रोल के साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं। आपकी फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्रिस्पी फ्राइड ड्रम स्टिक सर्विंग के लिए तैयार है। गरम गरम इसको सर्व करें, केचप के साथ, फ्रेंच फ्राइज के साथ, डिनर रोल के साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं। आपकी फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।